दोस्तों आज हम नफासत, नजाकत और नवाबों के शहर लखनऊ में मौजूद हैं। तो आज हम आपको राज्य संग्रहालय लखनऊ की यात्रा करवाएंगे। इस संग्रहालय के इतिहास पर गौर करें तो इसे सबसे पहले 76 मंजिल और लाल बारादरी में स्थापित किया गया था। 1863 ईस्वी में लखनऊ के तत्कालीन कमिश्नर कर्नल सैंडर्स एलेक्सियस एबॉट ने इस संग्रहालय को सीखचे वाले कोठी में स्थापित करवाया था। धीरे धीरे इस संग्रहालय में संग्रहित चीजों की संख्या बढ़ने लगी और 1950 ईस्वी में इसे प्रांतीय संग्रहालय की जगह राज्य संग्रहालय के नाम से जाना जाने लगा। साल 1963 ईस्वी से इस संग्रहालय को नव निर्मित इमारत बनारसी बाग में शिफ्ट कर दिया गया। इस संग्रहालय के पुरातत्व अनुभाग, चित्रकला अनुभाग और धातुकला अनुभाग में लगभग 2 लाख से ज्यादा कलाकृतियां और पुरावशेष संकलित हैं। हालांकि अपने शुरुआती दौर में यहां अवध की कलाओं और अवध के रीति रिवाजों, पौराणिक कथाओं, संस्कृति और समकालीन वस्तुओं से संबंधित पुरावशेषों को सहेजा गया था, लेकिन बाद में इसे लखनऊ के आसपास के स्थानों, खासकर कपिल वस्तु से प्राप्त पुरावशेषों से अलंकृत किया गया। आज यह संग्रहालय अवध की मूर्तिकला, धातुकला, चित्रकला, प्राकृतिक इतिहास और मानवशास्त्रीय नमूने, सिक्के, वस्त्राभूषण और सजावटी कलाओं का केंद्र बन गया है। यहाँ 1000 ईसा पूर्व की मिस्र की ममी और लकड़ी का ताबूत आकर्षण का खास केंद्र है। इसके साथ ही प्रदर्शित पुरावशेषों की विशाल संख्या में से कुछ दुर्लभ और बहुमूल्य वस्तुएं भी हैं। इनमें 17वीं शताब्दी का औरंगजेब आलमगीर के नाम वाला एक खुदा हुआ शराब का प्याला और बादशाह जहांगीर, शाहजहां आदि के सोने चांदी के सिक्के और शाही फरमान शामिल हैं। कल्पसूत्र के दृश्य वाली 16वीं सदी की एक पेंटिंग और 9 चित्रों के साथ फारसी में हरिवंश की एक प्रति तथा सोने चांदी के दुर्लभ सिक्के भी शामिल हैं। इस संग्रहालय के लिए एक विशेष पुरातत्व अनुभाग की स्थापना 1909 ईस्वी में कैसरबाग स्थित पुराने कैनिंग कॉलेज के परिसर में की गई थी। यहाँ की प्रबंध समिति के सदस्यों में एक नाम सर ए ओ ह्यूम का भी शामिल है। वही 1867 ईस्वी में संग्रहालय के पहले अधीक्षक सर्जन इमैनुएल बोनाविया थे, जबकि संग्रहालय के पहले क्यूरेटर मशहूर इतिहासकार और पुराविद डॉक्टर ए फ्यूहरर थे, जिन्हें 30 मार्च 1885 ईस्वी को नियुक्त किया गया था। इनके नेतृत्व में मथुरा के कंकाली टीले पर लगातार 3 चरणों में खुदाई करवाई गई थी, जो 1888 से 89, 1889 से 90 और 1890 से 91 तक बादस्तूर चलती रही। कंकाली टीले की साइट से बरामद सभी पुरावशेषों को लखनऊ संग्रहालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। इन अवशेषों में अयागपट और स्तूप की पूजा करते हुए श्रद्धालुओं को दर्शाया गया है। साथ ही एक सिरविहीन महिला की बैठी हुई मूर्ति भी शामिल है, जिसे सुरस्वती या श्रुता देवी अथवा सरस्वती की मूर्ति के तौर पर प्रदर्शित किया गया है। इस संग्रहालय में सिंधु सभ्यता से लेकर ब्रिटिश काल के पुरावशेषों को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की गैलरियों को एक विशेष थीम पर तैयार किया गया है, जैसे अवध संस्कृति, बौद्ध संस्कृति, जैन संस्कृति, चित्रकला, मुद्रा एवं अस्त्र शस्त्र। इन वस्तुओं को संग्रह के प्रकार के आधार पर विशेष दीर्घाओं में रखा गया है, जहां कुछ चुनिंदा वस्तुओं को ही प्रदर्शित किया गया है। यहां इलाहाबाद जिले के मनकुंवर से प्राप्त बुद्ध की मूर्ति भी प्रदर्शित है। इस संग्रहालय में ज्यादातर पुरावशेषों की मूल कृतियों को दर्शनार्थ प्रदर्शित नहीं किया गया है। विशेष दीर्घाओं में प्रदर्शित ज्यादातर वस्तुएं पुरावशेषों की डमी या हूबहू प्रतिकृतियां मात्र हैं, जिन्हें गौर से देखने पर आप आसानी से उनकी वास्तविकता की परख कर सकते हैं। यहाँ किसी भी तरह के आधिकारिक गाइड की कोई व्यवस्था नहीं है। सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों का व्यवहार भी संतोषजनक नहीं है।
उन्हें प्रदर्शित पुरावशेषों के इतिहास के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। कुछ सुरक्षा कर्मी अपने मोबाइल में इतने व्यस्त दिखे कि उन्हें आने जाने वाले लोगों के बारे में कोई आभास नहीं था। बलुए पत्थर से निर्मित पुरावशेष खासकर कंकाली टीले के अवशेष देखने लायक हैं। गौतम बुद्ध की विभिन्न मुद्रा में प्रदर्शित मूर्तियां भी बेहद खूबसूरत हैं। कुल मिलाकर यह संग्रहालय बच्चों के घूमने लायक है। वे यहां देश की सांस्कृतिक धरोहर को बेहद नज़दीक से देख और महसूस कर सकते हैं। दीर्घाओं की साज सज्जा और रखरखाव बेहद बेहतर है। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ।